अब जब हमने इसकी साइट डिटर्मिनेशन और एनाटॉमिकल पोजीशन की बात कर ली है, तो अब मैंने इसको पकड़ लिया है राइट फीमर को नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में। ओके, फीमेल फीमर जो है वो इट इज इट इट डज डज नॉट लाई वर्टिकली, बिल्कुल ये वर्टिकल लाई नहीं कर रही होती, ठीक है, थोड़ी ये ऐसे ना ऑब्लिकली अरेंज्ड होती है। फर्ज करें यहाँ ऐसे टेबुलम है ना और ये जॉइंट बन रहा है, तो ये बिल्कुल इस तरह वर्टिकल नहीं होगी, ये थोड़ी इस तरह ऑब्लिक होगी, ठीक है, और वो एंगल यूजुअली होता है 160 डिग्रीज इन एडल्ट्स एंड 100 डिग्रीज इन चिल्ड्रन। ओके, इससे कम हो जाएगा तो वो एक प्रॉब्लम है, और अगर इससे बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो दैट इज़ ऑल्सो अ डिजीज, ठीक है, ये डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, वो आपके अभी लेवल की चीज़ें नहीं है, बट जस्ट टेलिंग यू दैट। एनी वेज, अब डिफरेंट पार्ट्स की बात कर लेते हैं। हमने शुरू में क्या बात की थी, फीमर का एक अपर एंड होता है, एक शाफ्ट होती है और एक लोअर एंड होता है। सो जो अपर एंड है, अपर एंड में तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है, दिस राउंडेड हेड ऑफ द फीमर, फिर एक नैरो पार्ट होता है जिसको नेक कहते हैं फीमर का, और फिर नीचे दो राउंडेड प्रोसेसेस या प्रोजेक्शंस से होते हैं जिनको हम कहते हैं ट्रोकैंटर्स, ठीक है। पहले हेड की बात कर लेते हैं। हेड जो है दिस इज द सर्कुलर पार्ट, ठीक है, इट फॉर्म्स हिप जॉइंट विद द एसिटैबुलम ऑफ द हिप, ठीक है, यहाँ हिप जॉइंट बनता है। हिप जॉइंट की जो कैप्सूल होती है वो हेड को कंप्लीटली कवर कर लेती है। ओके, हेड को अगर आप रोटेट करके देखें मीडियल, इसकी मीडियल पार्ट को, मीडियल सरफेस को, तो उसमें आपको एक पिट नजर आती है, दिस पिट इज नोन एज फोविया। ओके, फोविया कैपिटस, फोविया का मतलब ही पिट होता है। इस पिट के थ्रू एक आर्टरी जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्चुरेटर आर्टरी। ऑब्चुरेटर आर्टरी हेड को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है, हेड को भी सप्लाई करती है और ये जो जॉइंट होता है उसको भी सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। अब इसको नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजिशन में पकड़ा, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है, मीडियल लैटरल, हेड की बात कर ली। अब फिर मैंने क्या था, नैरो पार्ट इज दी नेक, नैरो पार्ट इज नेक, ऑलमोस्ट 3.7 सेंटीमीटर होता है ये एक एवरेज एडल्ट में, और ये थोड़ी डिटेल है, अगर आप इसमें इसको करना चाहें तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज इट्स फाइन। नेक के भी कुछ बॉर्डर्स और सर्फेसेस होती हैं, ठीक है, इट हैज गॉट टू बॉर्डर्स एंड थ्री सर्फेसेस, टू बॉर्डर्स एंड थ्री सर्फेसेस। अब आप इसको अगर देखें गौर से, ये जो नेक है, ऊपर इसका एक ये बॉर्डर है, ठीक है, और नीचे इसका ये बॉर्डर है, ठीक है, दिस इज द अपर बॉर्डर, दिस इज द लोअर बॉर्डर, ठीक है, और सर्फेसिस, दिस वन, दिस सर्फेसिस, दिस सर्फेस जो कि आगे की तरफ है इंटीरियर की तरफ, दिस इज द एंटीरियर सर्फेस, और अगर मैं इसको घुमाऊं तो ये जो सर्फेस है दिस इज द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द नेक, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान सुपीरियर व्यू में, इन दोनों के दरमियान एक और सरफेस होती है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस, ठीक है, ये वाली, अगर इसको घुमाऊं ना, देखिए एंटीरियर तो ये थी ना आगे वाली, पोस्टीरियर पीछे वाली, तो इनके दरमियान जो सरफेस है दिस वन इज दी पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस, क्योंकि ये सुपीरियर भी लाई कर रही है थोड़ी बहुत, पोस्टीरियरली भी लाई कर रही है, ठीक है, ये इसकी नेक के पार्ट हो गए। उसके बाद नेक के नीचे ये आपको दो प्रोजेक्शन ही नजर आ रही हैं, एक ये प्रोजेक्शन है और एक ये प्रोजेक्शन है, ये थोड़ी बड़ी प्रोजेक्शन है जो कि सॉरी इस तरह पकड़ेंगे नॉर्मल एनाटॉमिकल, ठीक है, सो ये जो थोड़ी बड़ी प्रोजेक्शन है ना, दिस वन, दिस इज द ग्रेटर ट्रोकेंटर, और ये जो थोड़ी छोटी वाली प्रोजेक्शन है दिस इज द लेसर ट्रोकेंटर। ओके, इधर देख लें आप लोग, ये देखें ग्रेटर ट्रोकेंटर थोड़ा बड़ा है और जो लेसर ट्रोकेंटर है वो थोड़ा छोटा है, सही है। वंस अगेन नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन।